बोलते हैं कि वैकेंसी 2018 वाला वैकेंसी 2022-23 में कंप्लीट हो रहा है। जीडी 50,000 प्लस बहाली आया, उसको 8 महीना में कंप्लीट किया गया। आप उसमें क्या क्या होता है आप जानते हैं? पहले रिटेन होता है, रिटेन 50 लाख लड़का अगर दे रहा है तो उसको करवाने में कम से कम 2 महीना टाइम लगता है। बताते हैं हमारे बिहार में जो नीतीश जी भर्ती ले रहे हैं तो इतना जल्दी इनकी प्रोसेस कैसे तैयार हो जा रही है और लड़के लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं? पहले वो देखे एसएससी एकदम, पहले एसएससी 2014 पहले टाइम पर नहीं चल रहा था, जब से वो आया एसएससी फास्ट हुआ। अभी तो खाली बिहार में वैकेंसी है, केंद्र का वैकेंसी आ कहाँ रहा है? एसएससी कैलेंडर देखते हैं ना, हम नहीं कैलेंडर छापते हैं, आप 2023 का कैलेंडर देखिए। ठीक, ऐसा नहीं ना है कि वैकेंसी मतलब वैकेंसी आ रहा है और वैकेंट का जो रेशियो है, भर्ती करने का जो रेशियो है, उसमें कितना अंतर है, आप ही बात को देख लीजिए। बोले कि हर एक संडे को एग्जाम होता था पहले सरकार में। ठीक, पहले था कि सीआरपी अलग एग्जाम लेती थी, बीएसएफ अलग एग्जाम लेती थी, सीआईएसएफ अलग। 2000 सीट में इसमें है, 2000 सीट इसमें है, पहले के सरकार में। मोदी जी का खास आदमी है। इंडिया या एनडीए कौन है बेहतर 2024 के लिए? इंडिया है बेहतर। आप क्या मानते हैं? एनडीए है। एनडीए, अच्छा क्यों एनडीए है बेहतर? उसका आप देखिए, कोई भी काम अगर जो प्रोजेक्ट चालू किया तो उसको खत्म कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब कि टाइम से पहले खत्म कर दे रहा है। अभी जैसे मानिए वैकेंसी निकाला था एसएससी का, वैकेंसी आ रहा है एकदम टाइम पर आ रहा है, और टाइम पर आ रहा है, रिजल्ट टाइम पर आ रहा है। इतना फास्ट इलेक्शन कमीशन अभी मतलब अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है जितना फास्ट एसएससी रिजल्ट दे रही है। मतलब एसएससी जो है वो टाइम पर वैकेंसी निकाल रही है और टाइम पर रिजल्ट दे रही है, पहले सब नहीं होता था? सब नहीं होता था। अभी बिहार में देखिए, बिहार में क्या सिलसिला चल रहा है, अभी क्वेश्चन आउट कर पाएगा कोई? अभी क्वेश्चन आउट कोई कर पाएगा? नहीं ना, टीसीएस एग्जाम दे रही है। तो इसका सरकार एनडीए खत्म ना, फिर आएगा इंडिया आएगा, सब मिल के पार्टी बनाया है। हाँ। फिर वही बेचो, मतलब बाप बेचा बेटो बेचो, सब मिल के बेचो, कहानी खत्म, खा पियो एसमएच करो। अच्छा, कहने वाले कहते हैं कि वैकेंसी दे रहा है, रोजगार दे रहा है आपको, जहाँ है नल जल सब मिल रहा है, जो आप खोजिएगा वो मिल रहा है। अभी आपका यह महंगाई है तो महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ते चलिए महंगाई की बात करेंगे। चलिए आप लोग सब लोग यूथ हैं, हम रोजगार की ही बात करें, क्या एनडीए के शासन में रोजगार मिल रहा है? एक्चुअली मैं एनडीए यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिजनौर से हूँ। कहीं से भी हो रोजगार मिल रहा है? नहीं 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 नहीं, इस रोजगार की खातिर तो कल हमारा एग्जाम है, उसकी खातिर यहाँ पर आए हैं हम। एग्जाम वैकेंसी टाइम पे निकल रही है ना भाई, तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। अरे कहाँ निकल रही है, यूपी में तो बिल्कुल वैकेंसी नहीं निकल रही। कहाँ वैकेंसी निकल रही है यूपी में बताइए, कहाँ वैकेंसी निकल रही है? 4-5 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए, ये समझ लीजिए आप। 2018 में प्राइमरी की वैकेंसी निकली थी, आप भी यूपी से आए हैं, आइए इधर आइए। 2018 में वैकेंसी निकली थी और आज 5 साल हो गए, और ऊपर से बेड वालों को बाहर कर दिया, और ऊपर से बेड वालों को बाहर कर दिया। नहीं तो सरकार ने कर सकती, अब देखो देखिए देखिए एक बात सुनिए, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, अभी 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 एक मिनट, आप बोले बीएड ब्लॉक बाहर कर दिया जी, 1-5 जो होता है टीटी होता है जी, 1-5 जी 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 टीटी जो पढ़ा रहा है जी, उसके पढ़ाने की शैली अलग है। बीएड वाला जो 6-8 से पढ़ाएगा उसका शैली अलग है, तो आप कैसे उसमें आप क्वालिफाई करते? सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया नहीं, इसमें सरकार क्या कर सकती है? काफी सारे बच्चे लगे हुए हैं, क्या वो नहीं पढ़ा रहे? नहीं नहीं, लगने से नहीं, अब ऑर्डर अभी, अभी ये क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चलो मानता हूँ अच्छी बात है। हाँ। क्या 2018 के बाद बीएड वाले भर्ती नहीं हुए क्या? यूपी में जाके देखिए आप कितने भर्ती हुए हैं यूपी में। जब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहे मानिएगा, मानता हूँ बिल्कुल, मैं कदर करता हूँ, चुनौती दे सकते हैं। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझे नहीं, समझ रहे हैं? मैं मानता हूँ अच्छी भाई, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी अभी आप देखिएगा, अभी आप देखिएगा। नहीं, वैकेंसी निकल रही टर्म एंड कंडीशन को लेकर आपकी आपत्ति है? जी सर बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है अंकल, आप इंडिया और एनडीए में किसे चुनना पसंद करेंगे? इंडिया को कोई खास वजह? पीएम मोदी तो लोग खूब काम कर रहे हैं, अभी ये भी नहीं पता क्या है। आप पहले बढ़िया से बताइए, इंडिया क्या है, एनडीए क्या है? आपको नहीं पता इंडिया क्या है? हां सब पता है, इंडिया क्या बताइए, क्या है? अभी 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 जो नया ये बना है, सब पार्टी मिल को वो अपना नाम इंडिया रखा है। हाँ, आप बोलिए। तो क्यों आप इंडिया को पसंद कर रहे हैं एनडीए से बेहतर? इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी जो है
कुछ काम नहीं किए, खाली झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? समय से वैकेंसी निकल रही है, ये युवा है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टाइम पे वैकेंसी निकलता है, टाइम पे रिजल्ट निकल रहा है। अरे भैया, रेलवे में अभी 3 साल से बहाली रेलवे में हुआ है, अभी तुरंत ज्वाइनिंग लेटर 2018 वालों को सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये तो युवा है, रेलवे में वैकेंसी निकली थी ना। हाँ, सब ज्वाइन कर लिए अभी तुरंत। वो बूढ़ा आदमी है। आइए, क्या बोल रहे हैं? बूढ़ा बोल रहे हैं कि रेलवे वाला में 5 साल में कंप्लीट करते हैं, एक चुनाव से लेकर दूसरा चुनाव तक ले आ जाता है, तो आप उसको बोलते हैं कि वैकेंसी 2018 वाला वैकेंसी 2022-23 में कंप्लीट हो रहा है। अभी एसएससी की वैकेंसी देखें, अभी तुरंत जो है जनवरी में एसएससी जीडी 50,000 प्लस बहाली आया, उसको 8 महीना में कंप्लीट किया गया। आप उसमें क्या क्या होता है आप जानते हैं? पहले रिटेन होता है, रिटेन 50 लाख लड़का अगर दे रहा है तो उसको करवाने में कम से कम 2 महीना टाइम लगता है। उसके बाद फिजिकल होता है, तो फिजिकल के लिए कम से कम लड़का 2 महीना टाइम चाहिए, 4 महीना हो गया। उसके बाद मेडिकल होता है, आप ये खोजते हैं कि फॉर्म निकाला आप परसों ज्वाइन करा दीजिए, ऐसे होता है। प्रोसेस है वो, तो 5 साल के कुछ मायने रखता है। तो नीतीश जी की जो भर्ती आ रही है इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो जा रही है इनके कथनानुसार? अभी जो हमारे बिहार में जो नीतीश जी भर्ती ले रहे हैं, तो इतना जल्दी इनकी प्रोसेस कैसे तैयार हो जा रही है और लड़के लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं? पहले वो देखें एसएससी एकदम, पहले एसएससी 2014 से पहले टाइम पर नहीं चल रहा था, जब से वो आया एसएससी फास्ट हुआ। उसके बाद उसी को देखते हुए अभी यहाँ क्या है कि कराया जा रहा है, कंपनी को दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है कि आप मद निषेध का एग्जाम करवाइए, हमको 6 महीना में एकदम एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। अभी स्टेट का एग्जाम ले रहा है, अभी 27 तारीख को फॉर्म खत्म हुआ और 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो उसको देख के मॉडल आ रहा है। अभी 27 तारीख को फॉर्म भराना खत्म हुआ और 4 तारीख को एडमिट कार्ड, कल से एग्जाम है स्टेट का। ये लोग जो आए हैं यूपी से पूछे स्टेट का एग्जाम देने के लिए आए हैं, और फिर उसका वैकेंसी चुनाव आ रहा है तो हर एक स्टेट दिखाना चाहेगा कि हम फास्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अभी जो है बीपीएससी के एग्जाम जो है कि तुरंत जो है टीचर का, एक मिनट बताइएगा, टीचर का वैकेंसी आ रहा था, टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा था ना, अभी आयोग को दिया और तुरंत जो है बीपीएससी एग्जाम लेना कंडक्ट करवाया और तुरंत सेंसर की जा रही की है। उसके ऊपर प्रेशर है कि लोकसभा का इलेक्शन दिखाना है कि हम फास्ट कर रहे हैं। अभी स्टेट एग्जाम लेगा, आप देखिएगा नवंबर में वैकेंसी देगा 9th, 10th, 11th, 12th को, इसलिए कि बीएड को बाहर किया है तो हम दिखाएंगे कि हम अपने राज्य में जो है कि 9th, 10th, 11th, 12th को वैकेंसी दे रहे हैं, और वो फिर तुरंत रिजल्ट देगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। चलिए, आप तो सब युवा हैं, ज्यादातर लोग एग्जाम देने वाले लोग हैं, सहमत हैं इनसे? कोई सहमत नहीं। पहले के सरकार में मोदी जी का खास आदमी है, पहले के सरकार में सेल भेल ओएनजीसी एनटीपीसी रेलवे ड्राइवर ग्रुप डी रेलवे रहता था, एसएससी जीडी दुनिया जहां ना कोई को वैकेंसी आता था। अभी तो खाली बिहार में वैकेंसी है, केंद्र का वैकेंसी आ कहां रहा है? एसएससी कैलेंडर देखते हैं ना, हम नहीं कैलेंडर छापते हैं, आप 2023 का कैलेंडर देखिए। ठीक, आप तैयारी कीजिएगा ग्रुप डी का, आप सोचिए यूपीएससी आप देखिए रहे हैं वो वैकेंसी दे रहा है कि नहीं देख रहा है, आप एसएससी कैलेंडर देखते हैं, सबके मोबाइल और साइट पर एसएससी कैलेंडर है। ठीक, और उसका डेट रहता है कि 1 महीना में फॉर्म और अगले महीना एग्जाम। अब जनवरी से लेके 2018 से लेके अभी तक में एग्जाम देखिए, और ऐसा कोई मंथ नहीं होगा जिसमें कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है। आप जो है करिएगा एलडीसी की तैयारी, वहाँ सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, भर दीजिएगा, तो बोलिए वैकेंसी ये नहीं आ रहा, आपका लेवल है ग्रुप डी का और सीजीएल वैकेंसी दे रहा था, भरिए कहिए वैकेंसी ये नहीं आ रहा। मतलब आप कर रहे हैं तैयारी बिहार पुलिस का, वहाँ दरोगा वैकेंसी दे रहा था, आप कहिए हमारा तो वैकेंसी ये नहीं दे रहा है। चलिए, तो कुल मिला के इनके हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट में लगातार वैकेंसी जो है वो आ रही है। कई बार क्या होता है कि युवाओं को पता नहीं होता ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होते हैं। सर, क्या युवा इतना बेवकूफ है कि जो भर्ती आ रही है उसे नहीं पता चलेगा? जो आदमी यहाँ रात दिन तैयारी कर रहा है, ये बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब मैं ये आप झूठ बोल रहे हैं, सबसे तो सुनिए एक मिनट, ये बता रहे हैं कि टीसीएस का आता है, थोड़ा सा एक मिनट। सबसे तो पहले इनका बात झूठ है कि ये नीतीश जी का हमारी देन है कि 2009 वाला जो भर्ती आई थी बिहार पुलिस की, उसका जाके एग्जाम के बाद देखिए कितना जल्दी रिजल्ट हुआ था और कितना जल्दी उसका फिजिकल लेकर ज्वाइनिंग कराया गया था। ये भारत में उनकी देन है इतनी जल्दी जल्दी प्रक्रिया करने की, और ये बोल रहे हैं केंद्र की प्रक्रिया है, ये कहाँ से आ गई? किसी की प्रक्रिया नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि इतना जल्दी जल्दी नहीं, ये हमारी नीतीश जी की देन है जो आज हम वोट है। एसएससी वो हम नहीं बोल रहे हैं सर, हमारा नीतीश जी का यहाँ पे देन है जिसके वजह से अभी तो चारों तरफ का भर्ती रुका हुआ है, भर्ती तो चारों तरफ रुका हुआ है। अभी बिहार के लड़के अगर नीतीश जी इतना भर्ती नहीं देते तो ये लोग जाते कहाँ?
ये तो हमारे नीतीश जी की देन है। एक मिनट बताइए, आबादी आबादी कितना परसेंट है? 134। आबादी की देन से अगर बात कर रहे हैं तो इनसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उनसे पूछिए कि जो एसएससी की भर्ती आती थी वो कितना थी, अभी कटौती करके कितना निकाला जा रहा है। आप देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ रहा है उसके अनुसार। सुनिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता है, ठीक। ये बोले कितना, सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, 2014 से पहले ही कह रहे हैं कितना वैकेंसी आता था, ठीक। आज तक जो सीजीएल का वैकेंसी कभी 20,000 प्लस नहीं दिया था, ठीक। अभी आप कैलेंडर में देखिए, 2023 का कैलेंडर में देखिए, 2022 का कैलेंडर में देखिए, सीजीएल का कितना एसएससी सीजीएल का वैकेंसी है। सीपीओ का वैकेंसी जो है 1,000 से बेसी नहीं देता था। सुनिए, सीजीएल का भी सीपीओ का वैकेंसी नहीं देता था। सीपीओ वैकेंसी देखिए, आप पहले पूछ लीजिए ना, एसएससी कई गो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कई गो पता है? आप इतना बोल रहा है फॉर्म नहीं आता है, पहले पूछिए ना, कई गो पता था? अभाव है, जिसे बोल रहे हैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, फिर वो यूपीएससी का कैसे तैयारी करेगा? अब हमको ग्रुप डी का तैयारी है तो हम तो इंतजार करेंगे कि एक ही ग्रुप डी आएगा तभी हम उसका एग्जाम देंगे। अब बाकी का उसके बारे में पता नहीं होता है। एसएससी जो है कम से कम 15 एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आप गूगल पे सर्च करके आप एसएससी का कैलेंडर देख लीजिए, वो अपडेट कर देता है 2 महीना पहले। अभी जीडी का वैकेंसी खत्म हुआ है और फिर नया वैकेंसी लाने के लिए जो भी है 25,000-50,000 जो है कि वैकेंसी लाने के लिए तैयार है। आप भी क्या करते हैं भाई जी, रहिए, बेरोजगारे हैं। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं? तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट का। कौन सा एग्जाम दिया है हाल फिलहाल? हम तो अभी दिए हैं, मैं पिछले साल भी एमटीएस का दिए हैं। हाँ। जो आता सब भर देते, क्या करेंगे, जिसमें हो जाए वाले हैं। हाँ। आप मतलब कि कोई पैटर्न नहीं है आपकी तैयारी का? मतलब बड़ा करते हैं लेकिन पूछ तो सब कुछ में ना देता है। नीचे जाइए, मास्टर का तैयारी कीजिए, उसमें भी यूपीएससी लेवल पूछ देता है। चाहे चपरासी का कीजिए, उसमें भी यूपीएससी लेवल पूछ देता है। तो तैयारी आपको यूपीएससी लेवल कीजिए, चपरासियों बन जाइए। एग्जाम दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि एसएससी कैलेंडर जारी कर रही है कि नहीं, एग्जाम ले रही है कि नहीं। कैलेंडर जारी कर रही, सब कुछ बात सही है। मैं पूछूं कि युवाओं के लिए सरकार की तरफ से वैकेंसियां निकलती हैं खूब की नहीं निकलती, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार? देखिए, वैकेंसी निकलती है, जिस रेशियो में निकलती थी और जिस रेशियो में निकल रही है उसमें बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले था कि क्या बोला है, पहले से कि बढ़ा है? बहुत कम, कम हो गया। पहले हर एक संडे एग्जाम होता था, हर एक मतलब एग्जाम होता था, फिर दूसरा नया एग्जाम आ जाता था, लड़का तैयारी करता था, निकलते जाता था। अब लड़का क्या कर रहा है, एगो में रिजल्ट हुआ, दूसरा रुका हुआ, फिर हो रहा है। खाली ऐसे सीएस नहीं ना होगा, रेलवे आप देखिए, पहले ये देखिए कि वैकेंट कहाँ कहाँ पे कितना सीट है। ऐसा नहीं ना है कि वैकेंसी मतलब वैकेंसी आ रहा है और वैकेंट का जो रेशियो है, भर्ती करने का जो रेशियो है, इसमें कितना अंतर है, आप ये बात को देख लीजिए। बोले कि हर एक संडे को एग्जाम होता था पहले सरकार में, ठीक। पहले था कि सीआरपी अलग एग्जाम लेती थी, बीएसएफ अलग एग्जाम लेती थी, सीआईएसएफ अलग। 2000 सीट में इसमें है, 2000 सीट इसमें है, लड़का दौड़ रहा है 1000 रुपया लेके घर लिया तो आईबीएसएफ के एग्जाम देने गया, कल सीआरपी के एग्जाम देने गया। एक एग्जाम लड़का जो है महीना में 5000 रुपया देता था, आज बोर्ड गठित हुआ है तो उसके थ्रू वैकेंसी को कलेक्ट किया जाता है, सबको एक साथ कर दिया, वैकेंसी लिया जाता है। कि अगर जो हमारा नंबर कम भी आ रहा है, उस बोर्ड में कम आया तो फिर भी हम सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए, आप भी तैयारी करते हैं क्या सरकारी जॉब? हाँ, एग्जाम दिया है हाल फिलहाल किसी चीज़ का? एसएससी जीडी का दिया था। ठीक है, वैकेंसी निकल रही है ना? हाँ, बहुत निकल रही है। चलिए, वैकेंसी निकल रही है, युवाओं का कहना है, हालांकि इनके विरोध में भी कई उभर रहे हैं। घातक एकेडमी वाले, आप इधर आइए, कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कैची की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो कर रहे हैं, बिहार पुलिस का वैकेंसी तो निकल रहा है ना? निकल रहा है, 24 तारीख को एग्जाम भी है इस मंथ में। अच्छा, मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर वोट देने का मौका मिला 2024? देखिए, मौका मिलता देंगे एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हम लोग युवा के साथ जो आर्मी की तैयारी कर, उनके साथ बहुत बड़ा गद्दारी हुआ। हम लोग पिछला साल जो ट्रेन विषय में आग लगा था उसमें से एक बंदा हम भी थे। हाँ। जो मेडिकल उडकल सब फिट थे, उसमें आशा था कि विश्वास था कि आर्मी में हम ज्वाइन कर जाएंगे। हाँ। लेकिन उसको कैंसिल करके हम लोग को आशा पूरा उम्मीद था कि इसमें हो जाएंगे। हम लोग को 2 साल दौड़े, उसके बाद भर्ती निकालने के मेडिकल फिट हुए, और मेडिकल फिट होने के बाद 1.5 साल तक हम रिटर्न की तैयारी किए। उसके बाद सरकार बोलते रहा कि अब एग्जाम लेंगे, अपने राष्ट्र में अग्निवीर लागू करके हम लोग एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इस वीडियो को यहीं पर बाइंडर पढ़ते हैं, एक और वीडियो यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि भीड़ लग गई है, माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंडअप कर रहे हैं।